तो अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो और आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमने कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, बीए जनरल के लिए, साथ ही साथ एमए इकोनॉमिक्स के लिए बनाए हुए हैं, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। वहां पर आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको जो नोट्स है वो भी मिलेंगे जो कि इग्नू के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं, तो ये सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगा। बात करते हैं इलास्टिसिटी की। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि डिमांड को जितने भी फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनमें अगर चेंज होता है, परसेंटेज चेंज, तो उसकी वजह से डिमांड में क्या चेंज आएगा। यानी कि अगर डिमांड को इफेक्टेड करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से किसी एक में परसेंटेज चेंज होता है, जैसे इनकम में परसेंटेज चेंज होता है, या रिलेटेड गुड्स के प्राइस में परसेंटेज चेंज होता है, या प्राइस में परसेंटेज चेंज होता है, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में क्या परसेंटेज चेंज आएगा उसके प्रपोर्शन को ही हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज ऑफ एनी फैक्टर ऑफ द डिमांड। तो यहां पे बच्चों मैं आपको यह भी बता देता हूं कि तीन प्रकार की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो तीनों के बारे में ही मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी गुड्स का प्राइस उसकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। लॉ ऑफ डिमांड हमें केवल ये बता के छोड़ देता है कि कीमत के घटने से डिमांड बढ़ेगी, यानी कि प्राइस अगर फॉल करता है तो डिमांड जो है वो राइज करेगी, लेकिन एक्सटेंड नहीं बताता। देखिए, अलग अलग केसेस में डिमांड भी अलग अलग तरीके से राइज करती है। तो एक्सटेंड का मतलब है आपको ये बताना है कि कितना गुना बढ़ेगी, यानी कि उसका जो वैल्यू है, वैल्यूएशन है, एक्सटेंड है, उसके बारे में ये जानकारी नहीं देती है बच्चों। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो एक्सटेंशन के बारे में बताती है, यानी कितना एक्सटेंड हुआ, डिमांड में कितना चेंज हुआ। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक गुड्स ले रहा हूं, ए गुड्स है, ए गुड्स, बी गुड्स और सी गुड्स। अब तीनों ही गुड्स के जो प्राइस है, मान लीजिए उस प्राइस में 10% का फॉल होता है, लेकिन हर केस में जो क्वांटिटी है वो राइज तो करेगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है ये लग्जरी गुड्स हो, इसकी डिमांड 30% राइज कर जाए, इसकी डिमांड 10% ही राइज करे, इसकी डिमांड 2% ही राइज करे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें मैग्नीट्यूड को बताता है कि प्राइस में परसेंटेज चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंट चेंज होगा। तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इस इक्वेशन में भी रख सकते हो। यहाँ पे जो माइनस का साइन लिखा हुआ है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इस माइनस की कोई खास वैल्यू नहीं होती है, बस ये माइनस का साइन नेगेटिव रिलेशन को दिखाने के काम आता है। इसके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन बनाने का काम ही आप कह सकते हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करता है। आगे हम बच्चों बात करते हैं तो इसके प्रकारों की। तो पांच तरीके के प्रकार है, पांच टाइप्स हैं। आप चाहोगे तो मैं आपको अलग से भी बना के एक पेज में समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है? परफेक्टली का मतलब पूरी तरीके से, इनइलास्टिक मतलब ना बदलने वाली डिमांड। यानी कि हम एक ऐसा केस लेके चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स है, इसका प्राइस 100 रुपीज़ पर कोई कंज्यूमर जो है वो 100 यूनिट बाय करता है गुड्स की। उसी गुड्स का प्राइस अगर 200 हो जाए या 50 हो जाए तो उसकी डिमांड पर किसी भी तरीके का असर नहीं पड़ेगा। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, लेकिन कंडीशन तो है, एक्सटेंड तो है, पॉसिबल तो है। उस केस की जो डिमांड है उसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यानी कि इस केस में क्या होता है बच्चों, जो हमारा प्राइस है वो देखिए चेंज हुआ। मान लीजिए ये हमारा, सबसे पहले हम यहां पे रख लेते हैं क्वांटिटी। अब इस केस में जो प्राइस है अगर वो चेंज करता भी है तो डिमांड जो है वो चेंज नहीं होगी, यानी कि प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इस लाइन में डिमांड कर्व एक बिल्कुल सीधी रेखा में होगा इस तरीके से, और इस केस में जो ईडी है वो इक्वल टू 0 कहलाएगी। यानी कि क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस की बात करें
तो आप बच्चों साफ साफ देख पा रहे हो बिल्कुल साफ साफ कि डिमांड 0% चेंज हुई है और जो प्राइस है मान लीजिए 100% चेंज हुआ है, आंसर जो आएगा वो जीरो ही आएगा, इसीलिए इसको जीरो से डिनोट करते हैं। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। दूसरा जो केस हम बच्चों को समझा रहे हैं, मान लीजिए वो दूसरा केस है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। बच्चों परफेक्टली इलास्टिक डिमांड तब कहलाती है जब प्राइस में चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांड है, सॉरी प्राइस में बिना किसी चेंज के भी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाती है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि प्राइस जो है वो मान लीजिए 100 रुपीज पे, क्वांटिटी 100 है, अगर हम प्राइस को 100 ही मान लें लेकिन क्वांटिटी बढ़कर 200 हो जाए, या प्राइस 100 पे ही क्वांटिटी 50 हो जाए, यानी कि प्राइस में बहुत ही स्लाइट चेंज होने से या चेंज ना भी होने से अगर क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है, तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा बच्चों इस तरीके से बनेगा, इस तरीके का डिमांड। यानी कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारा जो प्राइस है वो कॉन्स्टेंट है लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है आप देख पा रहे होंगे बेटा वो बढ़ गई और घट गई। ओके बच्चों, तो ये सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहां पे यही दोनों बातों को समझा रखा है। अच्छा ये तो चेंज पॉइंट चेंज है, कोई बात नहीं, लेकिन बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमने आपको बता दिया कि प्राइस चेंज होने पर भी जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो बच्चों। तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, तीसरा पॉइंट हम मान लेते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यानी कि यहां पे ईडी जो है वो मोर देन वन है। इस केस में क्या होगा बच्चों, प्राइस मान लीजिए आपकी 100 है और क्वांटिटी आपकी 100 है, प्राइस अगर 80 हो जाता है और क्वांटिटी 150 हो जाती है, यानी कि अगर हम परसेंटेज चेंज की बात करें, अपना फॉर्मूला यूज करें परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो डिमांड में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है वो 50% का हो रहा है और प्राइस में जो चेंज हो रहा है वो 20% का हो रहा है। यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 2.5 आएगा। यानी कि इस केस में ईडी मोर देन वन कहलाएगी। यानी कि डिमांड मोर देन वन तब कहलाती है जब प्राइस में चेंज होने की वजह से जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है उसके कंपैरिजन में जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो ज्यादा रहे। इस तरीके की चीज को हम बोलते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और डायग्राम की अगर हम बात करें बच्चों, तो डायग्राम जो बनेगा इसका वो फ्लैट बनेगा, ज्यादा फ्लैट बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब है कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो डिमांड में कंपैरेटिवली ज्यादा चेंज आएगा। यानी कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आने से जो डिमांड है उसमें ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की जो डिमांड होती है वो कहलाती है मोर देन इलास्टिक डिमांड। दूसरा पॉइंट भी हम कवर कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं लेस देन यूनिटी इलास्टिक डिमांड। तो लेस देन यूनिटी इलास्टिक तब कहलाएगी जब प्राइस मान लीजिए 100 है और क्वांटिटी 100 है, प्राइस हो जाती है मान लीजिए 50 और क्वांटिटी रह जाती है केवल 120। यानी कि प्राइस में जो चेंज हुआ है वो 50% का हुआ है लेकिन डिमांड में जो चेंज हुआ है वो 20% का हुआ है। इसका मतलब जब हम फार्मूला पुट करेंगे और 20 को डिवाइड कर देंगे 50 से तो जो आंसर आएगा इट विल बी 0.4। ओके बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो डिमांड है ईडी जो है वो लेस देन वन है। यानी कि अगर प्राइस में जितना भी परसेंटेज चेंज होता है अगर क्वांटिटी डिमांड में उस परसेंटेज चेंज प्राइस से कम चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। डायग्राम की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो डायग्राम इस तरीके का बनता है, मोर स्लोप या आप कह सकते हैं स्टीपर बनता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि क्वांटिटी को अगर थोड़ा सा भी आप चेंज करना चाहते हो तो आपको ज्यादा मात्रा में प्राइस को कम करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो मोर है और इसका जो स्लोप है वो लेस है। आप डायग्राम के शेप से देख सकते हो कि मोर देन वन कब होगी और लेस देन वन कब होगी। ये ज्यादा फ्लैटर होगा, ये कम फ्लैटर होगा, ये फ्लैटर होगा, ये स्टीपर होगा। इसकी वजह ये है बच्चों। एक और पॉइंट रह गया उसको भी हम यही कवर कर लेते हैं।
और एक और पॉइंट है उसको भी हम कवर कर लेते हैं, वो कहलाता है हमारा फिफ्थ पॉइंट है हमारा यूनिट, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि इस केस को कहेंगे ईडी इक्वल टू वन। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जब प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज होगा सेम डिमांड में चेंज होगा। आप देख पा रहे हैं दोनों में कितना परसेंटेज है, 20-20% है, यानी कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी घटेगी ये तो श्योर है, लेकिन जो चेंज होगा यानी कि 20% अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी 20% ही घटेगी। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि 20 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 20 से तो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब ईडी जो होगी वो इक्वल टू 1 होगी। तो ये डायग्राम है हमारा, आप इसको सिंपल तरीके से बना सकते हो। ओके बच्चों, तो अगर हम सिंपल समझना चाहें, सिंपल शब्दों में एक और पेज बना लेते हैं बच्चों, हम सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको सारी बातें समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां मैं 1 लिख देता हूं, तो अगर आप ग्राफ ऐसे बना रहे हो तो ये आपका ईडी जो है वो मोर देन 1 होगा। अगर आप इस तरीके से बना रहे हो तो ये लेस देन 1 होगा, और अगर बिल्कुल बीच में लेकर आ रहे हो तो ये ईडी इक्वल टू 1 होगा। इस तरीके से खड़ा है तो ईडी 0 होगा, और ऐसे लेटा हुआ है तो ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। सिंपल तरीके से समझाने का मतलब है कि इस तरीके का हो सकता है और इस तरीके का हो सकता है, ये दोनों के दोनों स्ट्रीम केसेस हैं। ये तब होगा जब ईडी 0 होगी और ईडी इन्फिनिटी होगी, और ये वाले केस ज़्यादा प्रैक्टिकल है, यानी कि ऐसा लग्जरी गुड्स के केस में होता है, ये नेसेसिटी गुड्स के केस में होता है, और ये कंफर्ट गुड्स के केस में होता है। तो यही सारी बातें बच्चों हमने ऑलरेडी समझाई हुई है। आप चाहो तो ये नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, हमारी एप्लीकेशन के अंदर ये मिल जाएंगे। सारी बातें बच्चों वही लिखी हुई हैं जो हमने आपको समझाई हैं। अब हम आगे बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। देखिए, जैसे किसी गुड्स की प्राइस को चेंज होने से उसकी डिमांड में चेंज होता है, उसी तरीके से इनकम में चेंज होने से भी डिमांड में चेंज देखने को मिलता है। पॉजिटिव चेंज होता है, नेगेटिव चेंज होता है, या चेंज नहीं होता है, वो नेचर ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इनकम में भी चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है। लेकिन जब हम इसी को परसेंटेज में पता करते हैं, यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ, देखिए मान लीजिए मैं कहता हूँ, मान लीजिए कि मेरी इनकम 100 रुपये थी, तो मैं जो क्वांटिटी खरीदता था, मान लीजिए 20 क्वांटिटी खरीदता था, और जब से मेरी इनकम 500 रुपये हुई है या 200 रुपये हुई है, मैंने उसी की क्वांटिटी खरीदना शुरू कर दिया 40, या मान लीजिए 30 खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हमें पता करना है कि गुड्स किस तरीके की है, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे देखिए ये है हमारा 100% आया, ये हमारा 50% आया। बच्चों परसेंटेज निकालना आपको आता होगा मैं उम्मीद करता हूँ, नहीं आता है तो किसी वीडियो से सीख लीजिए, परसेंटेज तो मैं निकालना मैं नहीं सिखाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि इस केस में इनकम चेंज होने से डिमांड जो है वो इंक्रीज तो हुई है, लेकिन कम इंक्रीज हुई है। ऐसा भी हो सकता था कि गुड्स इस तरीके की होती कि आपकी डिमांड घट जाती, तो डिपेंड करता है गुड्स का नेचर किस तरीके का है। लेकिन अगर हम बात करें कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताती है, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताती है कि अगर परसेंटेज चेंज इनकम में होता है तो डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा। यानी कि क्या बताता है बच्चों, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम। यानी कि फॉर्मूले की बात करें तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, क्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन में क्यू इक्वल टू ई डी, और इसको यहां पे वाई बोल देते हैं या कई बार ई वाई बोल देते हैं। तो बच्चों इसके प्रकारों की बात करें तो एक तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा जो है ये पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी को दिखाने के लिए बनाया गया है बच्चों, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, तो दोनों गुड्स वो जो इनकम इलास्टिसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। और ऐसा नॉर्मल गुड्स के केस में होता है, क्योंकि नॉर्मल गुड्स के केस में ये पॉसिबल है कि इनकम बढ़ने से कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करे। अब इसके भी 3 प्रकार है, एक तो है इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कब होगी, जब इनकम 10% बढ़े लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है वो 20% बढ़ जाए, तो ये कहलाएगी ग्रेटर देन 1 इनकम इलास्टिसिटी। यानी कि व्हेन द परसेंटेज चेंज इन इनकम इज
मोर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम, यानी कि इनकम में जितना परसेंट चेंज हो रहा है डिमांड में उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज हो तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। आप चाहो तो मैं आपको बना के भी दिखा सकता हूं बच्चों। देखिए जैसे कि हमने आपको बताया, मान लीजिए इनकम हम ले लेते हैं 100 और क्वांटिटी डिमांड आसानी के लिए 100 ही ले लेते हैं। अब मान लीजिए इनकम 120 हो गई तो डिमांड में तीन कंडीशन पॉसिबल है। पहला, डिमांड 150 हो जाए, यानी कि 20% इसमें चेंज होने से इसमें 50% चेंज हुआ तो ये कहलाएगी ई वाई मोर देन वन। ठीक है जी, डिमांड जो है वो 100 ही रह जाती, 120 हो जाती, यानी कि इसमें 20% चेंज आने से, क्योंकि 100 से 120 हो गया ना तो इसमें भी 20% चेंज आता तो यहाँ पे ई वाई इक्वल टू 1 होता और डिमांड 110 हो जाती तो ये कहलाता 10% चेंज, यानी कि इस केस में ई वाई लेस देन 1 होता। तो सिंपल कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि बच्चों की अगर 20% चेंज होता है इनकम में और डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है तो मोर देन इलास्टिक है, डिमांड में कम चेंज होता है तो लेस देन इलास्टिक, और डिमांड में उतना ही चेंज होता है जितना प्राइस में चेंज होता है तो ये इक्वल इनकम इलास्टिसिटी, इनकम में चेंज होता है तो ये आप कह सकते हैं एक तरीके से इक्वल इनकम इलास्टिसिटी कहलाएगी। तो पॉइंट पे वापस आ जाते हैं बच्चों, सब बातें वही लिखी हुई हैं, एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, आप एक बार इनको पढ़ भी सकते हो कि लग्जरी गुड्स के केस में ऐसा होता है। आप याद रखिएगा लग्जरी गुड्स के केस में उससे होता है और ऐसा तब होता है जब डिमांड में 15% चेंज होता है इनकम में 10% चेंज करने की वजह से। ठीक है बच्चों, दूसरा केस हम कह रहे थे कि लेस देन इनकम इलास्टिसिटी, ऐसा नेसेसिटी गुड्स के केस में होता है और ऐसा तब होता है जब परसेंटेज चेंज में डिमांड हो रही है 15% और जो इनकम चेंज हो रही है वो हो रही है 20%। इस तरीके की जो कंडीशन होगी उसमें लेस देन इलास्टिक कहलाएगी इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 तब कहलाएगी जब इनकम में जितना चेंज हो रहा है डिमांड में उससे कम चेंज देखने को मिलता है, यानी कि अगर इनकम इक्वल है ना तो उतना ही चेंज देखने को मिलता है, यानी कि अगर 15% इनकम में राइज हो रहा है तो डिमांड भी 15% चेंज होगी। इस तरीके की जो चीज होती है उसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी, जो है हमारी वो एक तरीके से आप कह सकते हो इक्वल है। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी तब कहलाती है जब गुड्स जो है वो इन्फीरियर हो, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स के केस में जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर डिमांड को घटा देगा, इसीलिए इन्फीरियर गुड्स के केस में जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड बनता है, खासतौर पे जब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इनकम और क्वांटिटी के रिलेशन को दिखाते हैं। तो आप याद रखिएगा पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी तब होती है जब इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, नॉर्मल गुड्स के केस में होता है, और नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी तब होती है जब प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती है, और ऐसा होता है इन्फीरियर गुड्स के केस में। लास्ट करते हैं बच्चों इसके बारे में बात, वो है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जीरो इनकम इलास्टिसिटी तब कहलाती है जब प्राइस के चेंज होने से जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आता, यानी कि क्वांटिटी की जो डिमांड है, कमोडिटी की जो डिमांड है वो सेम बनी रहती है, उसकी डिमांड में किसी तरीके का चेंज नहीं आता, तब हम उसको कहते हैं बच्चों जीरो इनकम इलास्टिसिटी। यानी कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कब कहलाएगी, जब प्राइस बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। जीरो इनकम इलास्टिसिटी तब कहलाएगी जब इनकम बढ़ने से डिमांड में चेंज नहीं होगा, और नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी तब कहलाएगी जब इनकम के बढ़ने से डिमांड घटेगी और इनकम के घटने से डिमांड बढ़ेगी। आगे हम बात करते हैं बच्चों क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। क्रॉस इलास्टिसिटी में हम ये जांच करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस चेंज होने से किस तरीके से जो डिमांड है वो चेंज होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई, यानी कि अगर किसी एक गुड्स की प्राइस में चेंज होता है तो जो रिलेटेड गुड्स है उसकी डिमांड में क्या चेंज आएगा, इसको पता करने के लिए क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला भी लिखा हुआ है, फार्मूला है परसेंटेज या प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए कि हम यहां पे बात कर रहे हैं एक्स की और यहां पे वाई बात कर रहे हैं वाई की। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं, मैं आपको अलग पेज बना देता हूं आपको आसान रहेगा समझना, एक मिनट बस बच्चों ये वाला पेज बना लिया। ठीक है, देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि पेट्रोल और कार ये दो गुड्स हैं, हम सिंपल मानने के लिए हम ये मान लेते हैं कि एक्स गुड्स है या इसको वाई गुड्स मान लेते हैं,
और ये जो है वो एक्सपोर्ट्स है, पी एक्स और क्यू एक्स। मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये था और उसकी जो डिमांड है वो मान लीजिए 500 लीटर की है, जबकि कार जो है मान लीजिए सिंपल मानने के लिए मान लीजिए 100 रुपये है और उसकी जो डिमांड है वो 100 यूनिट है, ठीक है जी, हम ये मान के चल रहे हैं। अब पेट्रोल और कार जो है वो दे आर दी सब्स्टिट्यूट गुड्स, आपको पता होना चाहिए, पेट्रोल और कार आर सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसका मतलब पेट्रोल और कार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, क्योंकि एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो मान लीजिए पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाता है जबकि कार की कीमत 100 रुपये के समान ही बनी रहे, तो आप देखोगे कि लोग जो है वो कम कार की डिमांड करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली कार की जो डिमांड है इस पर बुरा असर पड़ेगा और पेट्रोल की डिमांड भी घट जाएगी। लेकिन जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी पता करते हैं तो क्वांटिटी लेंगे हम एक्स गुड्स की और प्राइस लेंगे वाई गुड्स का। प्राइस इलास्टिसिटी में हम खुद का ही प्राइस लेते थे, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, प्राइस लेंगे किसका, पेट्रोल का, और क्वांटिटी लेंगे कार की। तो देखिए किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा हमारा, ईसी बोलते हैं इसको, इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय में क्यू, लेकिन क्वांटिटी लेंगे एक्स की और प्राइस लेंगे वाई का। तो देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं, तो चेंज इन क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, क्वांटिटी में चेंज मान लीजिए 20 का हुआ है, माइनस में लिख देता हूं। प्राइस में कितना चेंज हुआ है, प्राइस में 100 का चेंज हुआ है, ठीक है जी, चेंज की बात कर रहे हैं, इंटू पी वाई यानी कि इनिशियल प्राइस कितना है, इनिशियल प्राइस जो है वो था हमारा 100 और इनिशियल क्वांटिटी हमारी 100 थी। इसका मतलब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 0.2। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा ई सी लेस देन 0। तो ई सी लेस देन 0 के केस में जो गुड्स होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, आप इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिए। एक और आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इसी तरीके से समझा देता हूँ, बाकी का थ्योरी तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा। कि मान लीजिए दो चीज़ें हैं, मान लीजिए सी एन जी है और पेट्रोल है। हम सुविधा के लिए मान लेते हैं कि सी एन जी जो है वो 50 रुपये में आती है और एक व्यक्ति जो है वो 1000 लीटर सी एन जी डलवाता है, जबकि पेट्रोल 100 रुपये में आता है और वो 100 लीटर पेट्रोल डलवाता है, ठीक है जी। चलिए मान लीजिए सुविधा के लिए वो भी 1000 लीटर डलवाता है। अब मान लीजिए कि सी एन जी 100 रुपये की हो जाती है जबकि पेट्रोल भी 100 रुपये का रहता है, तो डेफिनेटली इसकी डिमांड घटेगी और इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि लोग क्या करेंगे फिर सी एन जी ना डलवा के पेट्रोल डलवा लेंगे, क्योंकि लॉन्ग कौन लाइन में लगेगा। इसका मतलब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय में क्यू, क्वांटिटी एक्स की लेंगे और प्राइस वाई का लेंगे। हम क्या करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि हम क्वांटिटी में इसको कंसिडर करेंगे और प्राइस में इसको कंसिडर करेंगे। तो क्यू एक्स यानी कि डेल्टा क्यू में कितना परिवर्तन हुआ है, चेंज कितना हुआ है, 500 का चेंज हुआ है, आप देख पा रहे होंगे 500 का चेंज हुआ है। प्राइस में कितना चेंज हुआ है, 50 का चेंज हुआ है। अब आप देखिए कोई भी माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि दोनों में ही वृद्धि हुई है। इसी तरीके से इनिशियल प्राइस की बात करें तो इनिशियल प्राइस जो था पी वाई वो 50 है और इनिशियल क्वांटिटी की बात करें तो 1000 है, यानी कि 1 2 3 1 2 3, ठीक है बच्चों, ये सारा का सारा कट गया। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 25/50 यानी कि 0.5। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि अगर डिमांड हमारी सब्स्टिट्यूट है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा और कॉम्प्लीमेंट्री है तो आंसर हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो बच्चों इसी बात को मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि गुड्स तीन तरीके की, वो दो तरीके के होते हैं, रिलेटेड और अनरिलेटेड। रिलेटेड गुड्स, अनरिलेटेड गुड्स में तो सिंपल सी बात है कि एक का प्राइस चेंज होने से दूसरे की क्वांटिटी पे कोई चेंज होगा नहीं। अगर गुड्स अनरिलेटेड है, जैसे मान लीजिए पेट्रोल की कीमत बढ़ने से इकोनॉमिक्स की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अनरिलेटेड गुड्स की जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो तो होती है 0, ये अनरिलेटेड गुड्स की होती है, जैसा कि हमने देखो इस वाले पॉइंट में समझाया भी है, इस वाले पॉइंट में, ये वाले पॉइंट में, दिस वन लिखा भी है कि व्हेन टू गुड्स आर अनरिलेटेड टू ईच अदर देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 0। इन सच केस व्हेन द चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स या वाई डज नॉट इफेक्ट द डिमांड ऑफ एक्स। तो आप देख पा रहे होंगे डायग्राम, यानी कि प्राइस में चेंज होने से भी क्वांटिटी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा,
क्योंकि ये डिमांड जो है यहाँ पे हम ले रहे हैं एक्स गुड्स, यहाँ पे हम ले रहे हैं एक्स गुड्स और यहाँ ले रहे हैं वाई गुड्स। ये आप याद रखिएगा, गुड्स अलग अलग है। इसके अलावा बच्चों आपको मैं बता देता हूँ कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कब कहलाएगी, जब गुड्स सब्स्टिट्यूट होगी। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स बढ़ने से, प्राइस ऑफ वाई बढ़ने से जो क्वांटिटी एक्स की वो बढ़ेगी डिमांड, और इसके घटने से ये घटेगी। तो ऐसी गुड्स को सब्स्टिट्यूट गुड्स भी बोलते हैं बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है कि इसमें नेगेटिव डायग्राम बनेगा, यानी कि लेस देन, ये बच्चों जीरो आएगा, लेस देन जीरो, ये सॉरी ये लेस देन जीरो आएगा, ठीक है, लेस देन जीरो। इसका मतलब इस केस में जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव क्रॉस डिमांड विल बी नेगेटिव, ये भी गलत लिखा हुआ है, नेगेटिव आएगा। इन सच केस व्हेन द प्राइस इन द सच केस व्हेन द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स लीड टू डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ वाई, ये ठीक है। तो ये गलत लिखा हुआ है, ये नेगेटिव आएगा और ये जीरो आएगा दोनों में, और ये तो ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अब एक बात और याद रखिएगा, अगर गुड्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, तो जो उसकी वैल्यू होगी वो आएगी प्लस में इंफिनिटी। आप याद रखिएगा बच्चों, प्लस इंफिनिटी होगी। और ऐसा कहते हैं कि अगर परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है, तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। लेकिन बच्चों ये वाला ना प्रूफ नहीं होता, कई बार मैंने प्रूफ करके देखा है न्यूमेरिकल, ये प्रूफ नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर हम मान के चल रहे हैं तो यही माइनस का साइन आएगा, लेकिन आप फिर भी इसको कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन ये तो श्योर है कि जब गुड्स परफेक्टली, जब गुड्स जो होगी वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होती है, तो उसका जो आंसर आएगा वो प्लस इन्फिनिटी आएगा। ये मैं चेक करके ऑलरेडी देख चुका हूँ। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया भी होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।